अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। ये सवाल कहता है गिवन s इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। s क्या है? s एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का आपको पता है प्लस में माइनस में नंबर लिखे जाते हैं, उनको इंटीजर कहते हैं। लेकिन अब वो हमसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिखेंगे। फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस दैट आर ऑल्सो सबसेट्स ऑफ ए वेयर ए इज एन इंटीजर लेस देन 3। ठीक है, कह रहे हैं कि हमें एस के सबसेट्स बताने हैं, पर जो एस के सबसेट्स हैं वही ए के सबसेट्स हैं। ठीक है, जो एस के सबसेट्स हैं वो ए के सबसेट्स हैं। ऐसा एक ही सूरत में मुमकिन है, अगर ये दोनों सेट बराबर हों, एक दूसरे के इक्वल हों। उन्होंने हमें कहा एस जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, पहली स्टेटमेंट उन्होंने हमें इस सेट में ये दी, ठीक है, कि एस जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरे सेट में वो हमसे कह रहे हैं ए जो है वो एक इंटीजर है लेस देन 3। तो लेस देन 3 हमारे पास दो ही चीज़ें होंगी, 1 और 2। अब प्लस का साइन आएगा इनके साथ या माइनस आएगा, क्योंकि ए के सेट में लिखा है इज एन इंटीजर, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं लिखा। लेकिन जब वो क्योंकि हमें बता रहे हैं कि एस एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो एस के सबसेट्स हैं वही ए के सबसेट्स हैं, तो ऑफ कोर्स ए के नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव का साइन हम लिखते नहीं है नंबर के साथ, ठीक है। तो ये मालूमात हासिल होने के बाद हम लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू 1, 2। तो अब हमें इसके बनाने क्या है? सबसेट्स। अब जब हम इसके सबसेट्स बनाएंगे तो किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट नल सेट होता है, ठीक है। उसके बाद अगला सबसेट इसका जितने एलिमेंट्स हैं सबसे पहले हम उनको अलग अलग करके लिखते हैं। अब इस सेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं तो दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। 1 को अलग लिखा, फिर हम 2 को अलग लिखेंगे, और फिर अब हम एक एक नंबर लिखने के बाद हम दो दो नंबर लिखने की तरफ जाते हैं। तो अब एक एक नंबर लिखने के बाद जब हम दो नंबर लिखेंगे तो बस ये फिर आखिरी है, क्योंकि ये 1, 2, 1, 2 बस सेम हो गया, यहाँ हमारा आंसर ख़त्म हो गया। सबसेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है 2n। ये n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या चीज़ें होती हैं? जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं ना नंबर्स, वो इस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो 2 की पावर है n, और n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 1, 2। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो 2 की पावर क्या होगी? 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ए है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसके जब हम सबसेट बनाएंगे तो वो कितने बनेंगे? 4। ये जो 2n है ये सबसेट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? सबसेट के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने पहले बताया कि s बराबर है a के, a है 1 और 2। सबसेट बनाएं, किसी भी सेट का पहला सबसेट नल सेट होगा, फिर उसके एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे, फिर हम साथ लिख देंगे। फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला सबसेट बनाने के लिए होता है 2n, वेयर n जो है क्या होता है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट में दो एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। तो इसमें सबसेट्स भी 4 बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4। अब अगली वीडियो में हम इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे।